हेलो दोस्तों, दिल्ली की गौरी की तरफ से वर्ल्ड फूड डे की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर 1945 को रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1980 से संसार में व्याप्त भुखमरी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और उसे खत्म करने के लिए विश्व खाद्य दिवस का आयोजन शुरू किया। विश्व खाद्य दिवस का उद्देश्य विश्व भर में फैली भुखमरी की समस्या के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना और भूख, कुपोषण और गरीबी के खिलाफ संघर्ष को मजबूती देना। पहला विश्व खाद्य दिवस 1980 में मनाया गया। इसका लक्ष्य बढ़ती हुई गरीबी, भुखमरी और खाद्य संकट के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत में विश्व खाद्य दिवस, हमारे देश भारत में भी इसे बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इसे खाद्यान्न इंजीनियर दिवस भी कहते हैं। इस दिन कृषि के महत्व को बताया जाता है, भोजन को सुरक्षित और साफ रखने की शपथ ली जाती है, किसान भाइयों को फसलों के लिए आधुनिक तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनकी पैदावार बढ़े। स्कूल कॉलेजों में इस दिन भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, रंगोली आदि का आयोजन किया जाता है तथा जंक फूड और फास्ट फूड से होने वाली हानियों को भी बताया जाता है। विश्व खाद्य दिवस को मनाए जाने का मुख्य कारण खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने विश्व खाद्य दिवस को संभव बनाने और इसके लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वर्ष की थीम है ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर। पिछले कुछ वर्षों की थीम हम सभी का कर्तव्य है कि भोजन को कभी नष्ट ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि आस पड़ोस में कोई भूखा ना रहे। बचे हुए भोजन को गरीब लोगों में वितरित करें। जैविक कृषि को बढ़ावा दें। जैविक खाद का इस्तेमाल करें। कृषि प्रदूषण ना फैलाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।